राकेश पांडे, कक्षा 11वीं, इतिहास, चौथा अध्याय है इस्लाम का उदय और विस्तार। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बतला चुका हूँ, समझा चुका हूँ। इस्लाम अरब में इस्लाम का जो विकास हुआ है उसके बारे में बतला चुका हूँ। जो इस्लाम में मुख्य कर्तव्य होते हैं, इस्लाम में जो शिक्षाएं होती हैं उसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। खलीफाओं के शासन के बारे में बतला चुका हूँ। आज मैं आपको जो धर्म युद्ध है उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। 1076 ईस्वी में जब ईसाइयों का पवित्र स्थल एरूसलम सल्जुक तुर्कों के अधिकार में चला गया तो ईसाई समाज काफी चिंतित हुआ, क्योंकि वहां पर ईसाइयों पर अत्याचार होने की गाथा से ईसाई जगत आए दिन विवादित होता था। अतः यूरोप के ईसाइयों ने जेरूसलम को पुनः प्राप्त करने के लिए सल्जुक तुर्कों के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े। इन युद्धों को धर्म युद्ध अथवा क्रूसेड के नाम से जाना जाता है। धर्म युद्ध के कौन कौन से कारण थे उनके बारे में मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। ईसाइयों और सल्जुक तुर्कों के मध्य हुए धर्म युद्धों के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, उसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ। पहला है धार्मिक कारण। जेरूसलम ईसाइयों का सर्वाधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल था। यहाँ की अधिकांश जनता ईसाई थी। 638 में अरबों ने जेरूसलम पर अधिकार कर लिया था, किंतु ईसाई ईसा के कुशारोपण एवं पुनर्जीवन के स्थान के रूप में यह स्थान ईसाइयों का तीर्थ स्थल बना रहा। लेकिन कालांतर में ईसाइयों और मुसलमानों में पारस्परिक शत्रुता की भावना बढ़ने लगी। 1076 ईस्वी में सल्जुक तुर्कों ने जेरूसलम पर अधिकार कर लिया। धार्मिक जोश से ओतप्रोत तुर्कों मुसलमानों ने वहां के ईसाइयों पर कठोर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया और उन्हें जबरन मुसलमान बनाना भी आरंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त यूरोप के ईसाई तीर्थ यात्रियों का वहां आना वर्जित कर दिया गया। यदि कुछ ईसाई कठोर प्रतिबंधों के बावजूद भी वहां आने में सफल हो जाते थे, उनके साथ अमानुष व्यवहार किया जाता था और उनसे यात्रा के रूप में भारी रकम वसूली की जाती थी। जेरूसलम से लौटकर जाने वाले तीर्थयात्री तुर्कों की क्रूरता, निर्दयता की कहानी सुना सुनाकर यूरोप देशों के ईसाइयों में उत्तेजना उत्पन्न करते थे। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप के ईसाई धीरे धीरे वहाँ के मुसलमानों के विरोधी हो गए। वे अपने पवित्र तीर्थ स्थल जेरूसलम को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करने लगे।
दूसरा है राजनीतिक कारण, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तुर्कों का साम्राज्य निरंतर बढ़ता जा रहा था। उन्होंने पूर्वी यूरोप के कई प्रदेशों पर अधिकार भी कर लिया था। सातवीं शताब्दी के उपरांत बाइजेंटाइन साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। अतः तुर्कों की कुदृष्टि उस साम्राज्य पर पड़ गई। 1071 ईस्वी तुर्की सेना के बाइजेंटाइन साम्राज्य की सेना को परास्त कर उसके अनेक नगरों पर अधिकार कर लिया था। उस समय बाइजेंटाइन साम्राज्य का शासक एलेक्सियस प्रथम था। उसने अपने साम्राज्य को तुर्कों के प्रभुत्व से बचाने के लिए पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों से सहायता की प्रार्थना की, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग संपूर्ण पश्चिमी यूरोप के शासक तुर्क के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तीसरा है आर्थिक कारण। अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने की लालसा भी धर्म युद्ध का कारण बनी। स्पेन में मुस्लिम शासन समाप्त हो चुका था, अतः स्पेन के व्यापारी निर्भीक होकर मध्य सागर में व्यापार करने लगे थे। उनके व्यापार को विकसित होता देख इटली के नगरों के व्यापारियों में भी अपने व्यापार को पूर्वी देशों में बढ़ाने की ललक उत्पन्न हुई। जब उन्होंने पूर्व की ओर बढ़ने का प्रयास किया तो तुर्क से उनका युद्ध स्वाभाविक हो गया। उक्त सभी कारणों से मिलकर धर्म युद्धों के लिए रास्ता तैयार कर दिया। बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासक एलेक्सियस प्रथम ने तात्कालीन पोप अर्बन द्वितीय से तुर्की के विरुद्ध सहायता की याचना की। पोप अर्बन द्वितीय ने क्लियर मार्ट में 1095 ईस्वी में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में धर्माधिकारियों के अतिरिक्त शासक सामंतगण भी उपस्थित हुए। पोप अर्बन द्वितीय के लिए ईसाई धर्म की जीवट प्रवृत्ति को पुनर्जीवित करने का एक स्वर्णिम अवसर था। अतः पोप ने क्लियरमंट की काउंसिल में उपस्थित लोगों को जेरूसलम की रक्षा युद्ध करने को प्रोत्साहित किया। उनके उद्बोधन का ऐसा प्रभाव पड़ा कि समस्त लोग तुर्क के विरुद्ध युद्ध में सहयोग देने को उद्यत हो गए। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी यूरोपीय देशों के ईसाई ने पूर्वी भूमध्य सागर के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के विरुद्ध युद्ध लड़ने की योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत अनेक युद्ध लड़े गए, जिन्हें धर्म युद्ध अथवा क्रूसेडस के नाम से जाना जाता है। धर्म युद्ध कौन कौन से लड़े गए हैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। जो पहला धर्म युद्ध लड़ा गया 1098 ईस्वी से 1099 ईस्वी तक। प्रथम धर्मयुद्ध 1098 से 1099 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांस और इटली के सैनिकों ने तुर्कों के विरुद्ध वीरता का परिचय दिया। उन्होंने सीरिया में एंटीओक और जेरूसलम पर अपना कब्जा जमा लिया। इस युद्ध के दौरान
मुसलमानों और यहूदियों की विद्वेषपूर्ण हत्याएं की गई। मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों को फिरंगी अथवा फ्रिजी कहकर संबोधित किया और उनके आक्रमण को पश्चिम देशों के आक्रमण का नाम दिया। ईसाई सैनिकों ने शीघ्र ही धर्मयुद्ध द्वारा जीते गए सीरिया फिलिस्तीन के क्षेत्र में चार राज्यों की स्थापना, जिन्हें सामूहिक रूप से आउटरेमर समुद्री भूमि के नाम से जाना जाता था। कालांतर में ईसाइयों द्वारा आउटरेमर की रक्षा और विस्तार के लिए धर्मयुद्ध लड़े गए। दूसरा धर्मयुद्ध, द्वितीय धर्मयुद्ध 1145 से 1149 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। 1144 ईस्वी में तुर्की ने एक साम्राज्य एडेसा पर अधिकार कर लिया। इस कारण पोप ने दूसरा धर्मयुद्ध लड़ने के लिए ईसाइयों को प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी और फ्रांस की सेनाओं ने दमिश्क पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें परास्त होकर वापस लौटना पड़ा। इस साम्राज्य के परिणाम स्वरूप आउटरेमर की शक्ति दुर्बल होती चली गई। इसका प्रमुख कारण था कि ईसाइयों का धर्मयुद्ध जोश समाप्त हो गया था। इसके अतिरिक्त अब ईसाई शासकों ने नए नए क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए लड़ाइयाँ लड़नी प्रारंभ कर दी थी। तीसरा है तृतीय धर्मयुद्ध, जो 1189 ईस्वी में मिस्री सीरियाई साम्राज्य के सुल्तान सलादीन ने जब जेरूसलम पर अधिकार कर लिया, तब पोप ने अपने ईसाई बंधुओं को पुनः धर्म युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि जेरूसलम के पतन से पोप व यूरोप के ईसाई शासक वर्ग को काफ़ी आघात पहुंचा था। इसके परिणाम स्वरूप 1189 ईस्वी में तीसरा धर्मयुद्ध हुआ। इस युद्ध में ईसाई जगत के तीन महत्वपूर्ण शासकों जर्मनी हेनरिक बारबारोसा, इंग्लैंड के रिचर्ड प्रथम और फ्रांस के फिलिप आंगस्टॉक ने भाग लिया था, लेकिन तीनों शासकों के मध्य पारस्परिक सहयोग और समन्वय के अभाव के कारण उन्हें महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। इन लोगों को फिलिस्तीन के कुछ तटवर्ती शहरों और ईसाई तीर्थ यात्रियों के लिए जेरूसलम में मुक्त प्रवेश के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और जो चौथा धर्मयुद्ध है, ये 1194 में सलादीन की मृत्यु के पश्चात जेरूसलम में ईसाइयों को धार्मिक सुविधाएं अधिक दिनों तक उपलब्ध नहीं हो रही थी, अतः 1202 ईस्वी में ईसाइयों द्वारा तुर्कों के विरुद्ध चौथा धर्मयुद्ध लड़ा गया, लेकिन इस युद्ध में भी ईसाइयों को कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई। और जो पांचवा धर्मयुद्ध लड़ा गया, बच्चों का धर्मयुद्ध, उक्त चौथे धर्मयुद्ध के उपरांत भी ईसाइयों ने मुसलमानों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। अनेक युद्ध लड़े गए, लेकिन वे अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझे जाते। इन युद्धों में युद्ध बच्चों का धर्मयुद्ध था, जो 1212 में ईस्वी में लड़ा गया। इस धर्मयुद्ध में बच्चों का प्रयोग किया गया। 30,000 बच्चों की एक सेना स्टीफन नामक फ्रांसीसी बालक के नेतृत्व में मुसलमानों के विरुद्ध जेरूसलम भेजी गई। इसके अतिरिक्त एक अन्य 30,000 बच्चों की सेना निकोलस के नेतृत्व में
भेजी गई, लेकिन इस धर्म युद्ध का परिणाम अत्यंत दुखद हुआ, क्योंकि आधे से अधिक बच्चे मार्ग में ही मृत्यु का ग्रास बन गए और शेष बच्चों को तुर्कों ने अपना गुलाम बना लिया। जो धर्मयुद्ध हुए हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और बच्चों का धर्मयुद्ध, उसके बारे में आपको समझा चुका। और धर्मयुद्ध के क्या परिणाम हुए हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। तो धर्मयुद्ध के जो परिणाम हुए हैं और जो धर्मयुद्ध है इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसको समझिए और आगे मैं आपको नेक्स्ट समय पढ़ाऊंगा।